इस वक्त पटना यूनिवर्सिटी गेट के पास हम हैं और यहाँ पर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो नीले झंडे के साथ तैयार हो रही है। 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर मनुवादी और ब्रह्मनवादी लोगों ने, आरक्षण विरोधी लोगों ने संविधान को जलाने का काम किया, भारत के संविधान को जला दिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कि भारत रत्न है उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए। बिहार में जो डर तरीके से उसका विरोध हो रहा है, पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से भीम आर्मी इसका विरोध कर रही है। संविधान विरोधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मनुवादियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनुवादियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान विरोधियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविधान विरोधी मुर्दाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविधान विरोधी देशद्रोही, देशद्रोही। संविधान विरोधी देशद्रोही, देशद्रोही। देशद्रोहियों को देश से भगा करके रहेंगे और हम लोग जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज मुस्लिम के लोग एकजुट होकर करके उन देशद्रोहियों जो संविधान को चलाने का काम किए, अंबेडकर को मुर्दाबाद कहने का काम किए हैं, उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लगातार करेंगे। ये बिहार से जिस संविधान के छत्र छाया में रह के हम लोग जीते हैं उस पवित्र संविधान को मनुवादियों द्वारा, देशद्रोहियों द्वारा संसद मार्ग पे जलाया गया है, ऐसा जुर्म किसने की? उस देशद्रोहियों को चिन्हित करके हम नरेंद्र मोदी सरकार से ये मांग करते हैं कि आप जो सरकार चला रहे हैं वो इस संविधान के बदौलत चला रहे हैं, उस संविधान के दायरे में रह के चला रहे हैं और हम इसलिए आपसे मांग करते हैं कि आप उन देशद्रोहियों को गिरफ्तार करो, उन्हें देशद्रोही घोषित करो, उन्हें फांसी पे लटकाओ, जिसके जिसके चलते आगे चल के कोई ऐसा जुर्म नहीं करे। और हम भीम आर्मी के लोग अगर ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करते हैं ये नरेंद्र मोदी सरकार, तो हम लोग आगे पूरा देश व्यापी आंदोलन करेंगे और 19 तारीख को भीम आर्मी का दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन है, उसमें भी इस चीज को रखा जाएगा। जेएनयू की घटना में एक लगा नारा लगाया, आप उसको देशद्रोही साबित करते हैं। यहाँ संविधान जो भारत की मेन मूल आत्मा है, जो हमारे यहाँ के बसे लोगों को जो मूलभूत जो आत्मा है उस पर चोट किया गया है, उसको जलाया गया है, उसको बर्बाद करने का काम किया गया है। अंबेडकर मुर्दाबाद का नारा लगा, हाँ, अंबेडकर मुर्दाबाद का जो नारा लगाया गया है, हम मांग करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से और नरेंद्र मोदी से जो इस पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें, गिरफ्तार करने का कोशिश करें, उसे फांसी चढ़ाएं और नहीं तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह दिल्ली में जंतर मंतर पर संविधान को जलाया गया, भारत के संविधान को और अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, दलित संगठनों द्वारा जोरदार विरोध तरीके से विरोध किया जा रहा है, कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है कि कोई अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और भारतीय संविधान को जलाए। हम आगे भी इस मुद्दे पर वीडियो बनाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे हर खबर को, इससे जुड़ी हुई जो भी खबरें होगी। 19 तारीख को भीम आर्मी के राष्ट्रीय संगठन द्वारा दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बड़ी रैली की जाएगी, उसमें भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। हम आगे भी आपके साथ बने रहेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय भीम, जय भारत।